बंसल, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ समर के लिए एक स्किन केयर। समर चल रहे, काफ़ी पसीना आता है, टेनिंग भी हो जाती है आपके फेस पे, तो इसको रिमूव करने के लिए आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए मैं आपके लिए आज लेकर के आई हूँ। ये केवल आपको इजीली मार्केट में मिल जाती हैं, इसके लिए आपको केवल दो ही प्रोडक्ट्स लगेंगे, एक एक गुलाब जल लगेगा। तो आप चाहें तो पहले छोटी बॉटल ले सकते हैं, वैसे ये समर्स में बहुत यूज़फुल होता है। आप अगर मार्केट वगैरह जाते हो, मार्केट से आते हैं, उसके बाद हल्के से कॉटन में अगर आप इसे लेकर के अपना फेस क्लीन करते हैं, तो आपको जो उस टाइम पर जो टैनिंग है या डार्क सर्कल्स वगैरह हैं या और भी कुछ है, तो वो साफ़ हो जाता है। तो आप चाहें तो बड़ा पैक भी ले सकते हो, और इसका जो बड़ा पैक आता है 75 रुपीज़ का है, ये 250 ml का है। तो डाबर का भी ले सकते हैं, पतंजलि का भी आता है, बट डाबर का ज़्यादा अच्छा है, मैं काफ़ी समय से यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं मुल्तानी मिट्टी, तो मैं इस तरीके से स्टोर करके रखती हूँ इसको। इस तरीके से मैं स्टोर करती हूँ। इसका पैकेट आता है 24 रुपीज़ समथिंग का पैकेट आता है, और ये नेचुरल रहती है, तो मैं इसे यूज़ करती हूँ। अब हमें इसके लिए पैक बनाना है, तो मैं एक प्लास्टिक का बॉल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि कांच का बॉल मैंने दो बार ही तोड़ दिया है इस वजह से। तो एक ये बॉल ले लेंगे हम, और उसमें एक छोटी सी स्पून की हेल्प से मैं इतना ले रही हूँ, इतना काफ़ी होता है, एक बार का पैक पूरा बन जाता है। आप चाहें तो थोड़ा सा और भी ले सकते हैं, तो मैंने ये इसमें ले लिया है, देख सकते हो आप। इसके अलावा मैं स्पून रख देती हूँ, देन अपना गुलाब जल, तो इसमें मैं गुलाब जल डाल दूँ। मैंने इसमें गुलाब जल डाल दिया, अभी स्पून की हेल्प से मैं इसे मिला लूँगी। अब चाहे तो इस पैक को जो है ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पर, बट अगर आप हाथ से लगेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक जैसी कोडिंग लगेगी। और ब्रश से क्या होता है कि कहीं कहीं पर रह जाता है, मेरे अकॉर्डिंग तो ब्रश से ना सही नहीं होता है। तो ये इस तरीके का पैक बन चुका है, अगर आपको लगे तो आप और भी थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, बट मैं इतना ही ले लूँ। और मैंने इतना बड़ा बॉल इसलिए लिया है क्योंकि अगर मुझे हेयर के लिए भी कोई पैक वगैरह बनाना होता है, तो मैं ईज़िली इसमें बना लेती हूँ, बन जाता है। थोड़ा सा मैं गुलाब जल और ले रही हूँ, क्योंकि ये बहुत गाढ़ा है, अभी ज़रा सा ही गुलाब जल ले रही हूँ मैं। ये इस तरीके से मैंने ले लिया, देन अब मैं अपने फेस पे इसे अप्लाई कर लूँगी। तो मैं इसे उंगली से ही अप्लाई कर रही हूँ इस तरीके से। तो मैं पहले ऊपर की साइड से इसे अप्लाई करती हूँ अपने फेस पर। आप जब इसे वॉश करते हैं तो गाइस आपको इतना ठंडा फील होगा ना, ऐसा लगेगा कि आपने आइस अपने फेस पे अप्लाई की थी, तो काफ़ी अच्छा है। और आप चाहें तो इसे अप्लाई करने के बाद अपने फेस पर आइस भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपके फेस पे जो पोर्स वगैरह ओपन होते हैं ये पैक वगैरह अप्लाई करने के बाद, वो क्लोज हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे फेस पे अभी बहुत सारी पिंपल्स वगैरह हो रही है, तो मैं अपने फेस पे कोई भी प्रोडक्ट वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैंने सोचा मैं आपको ये थेरेपी बता देती हूँ, जिससे आपके फेस पर थोड़े जो स्पॉट्स वगैरह है, काफ़ी टाइम से मैंने अपने फेस पर यूज़ नहीं की थी ये प्रोडक्ट, तो मैंने सोचा कि मैं आपके संग ये यूज़ करती हूँ। मैं आँखों के पास एकदम नहीं लेना है, क्योंकि इससे आपके फेस पर आँखों के आसपास थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम दैट कि झुर्रियाँ ना आ जाए। मुझे ब्लैक हेड्स भी बहुत है, इस वजह से भी मेरे फेस पे स्पॉट्स दिखते हैं। तो ये मैं गले तक लगाऊंगी, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं, अगर फेस फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं या कोई भी पैक यूज़ कर रहे हैं, तो आपको फेस तक अपने गले तक यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होता है कि पूरे फेस और आपके गले का जो स्किन टोन है, स्किन कलर है, वो तो सेम रहता है। तो मैं गले तक लगा रही हूँ, ये मैंने लगा लिया है। अब इसे मैं
10 मिनट तक के लिए सूखने के लिए छोड़ दूंगी। मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब मैं इस तरीके से मैंने मग में पानी ले लिया है। इस तरीके से मैं इस स्पंज से अपना पूरा फेस साफ कर रही हूँ, और आप चाहें तो इसे वॉश भी कर सकते हैं, बट अगर आप स्पंज से साफ करेंगे ठंडे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी स्किन पर सॉफ्ट स्पंज लेना चाहिए आपको साफ करने के लिए। अब मैंने थोड़ा ठंडा पानी ही लिया है, एकदम गर्म पानी नहीं लिया है, क्योंकि समर्स अगर आप गर्म पानी यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि आपको इस ऑयली स्किन वालों को और ज़्यादा ऑयल आए और पसीना भी ज़्यादा आए। फेस पे तो पसीने की आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप पाउडर भी यूज़ करते हैं, कोई लूज़ पाउडर भी यूज़ करते हैं, तो भी गर्मी बहुत है। आप देख सकते हैं इतना सा इतनी सी प्रोसेस करने के बाद मेरे फेस पर किस तरीके से अच्छे से ग्लो आ गया है। अलग ही टैनिंग जो भी थी वो रिमूव हो चुकी है। अब मैं एक बार नॉर्मल वाटर से अपना फेस वॉश कर लूँगी। इस तरीके से वॉश कर लिया नॉर्मल वाटर से। अब मैं एक ये हैंकी ले रही हूँ शॉर्ट, और इस तरीके से पूरे फेस पर मैं इसे ड्रैग नहीं करूँगी, क्योंकि हो सकता है कि स्किन ख़राब हो जाए या लूज हो जाए, वहाँ से फेस की चमड़ी निकल जाए। तो कभी भी आपको अपने बालों में या अपने फेस पर जो टॉवल होता है उसको ड्रैग नहीं करना है या पीसना नहीं है, केवल इस तरीके से रैप करना है, तो इससे आपकी स्किन पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तरीके से। देन अब मैं एक रॉज वाटर दोबारा से यूज़ कर रही हूँ, ताकि थोड़ा मेरा फेस ठंडा हो जाए, प्लस ड्राई जो यहाँ पर ड्राइनेस लग रही है मुझे अभी, वो ड्राइनेस ना रहे। तो मैं ये वाला लिप्टन का रोज़ वाटर टोनर यूज़ कर रही हूँ। इसमें रोज़ है, विटामिन सी है एंड विटामिन ई है, तो इसकी रोज़ का ही है ये भी। तो इस तरीके से मैंने इसे लगा लिया है। आप चाहें तो हाथ से भी इस पर मैंने ये रोज टोनर लगाया है, जिससे फेस पर ग्लो रहेगा, ड्राइनेस नहीं आएगी, शाइनिंग रहेगी। और आपको कोई भी मेकअप स्टार्ट करने के पहले आई थिंक ये यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके फेस पर जो है एक अलग ही ग्लो रहता है और शाइनिंग भी रहती है, ऑयल फ्री हो जाता है इससे, क्योंकि ये जो है सभी स्किन टाइप्स के लिए, कोई भी स्किन टाइप्स वाले यूज़ कर सकते हैं। ड्राई मेरा फेस यहाँ से थोड़ा ऑयली हो जाता है, यहाँ से थोड़ा ड्राई हो जाता है, यहाँ से भी थोड़ा ड्राई हो जाता है, तो मैं ये यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये सभी स्किन टाइप्स के लिए, केवल ऑयली या ड्राई वालों के लिए नहीं है। तो आप देख सकते हैं ग्लो तो फेस पर मेरे, यहाँ पर कुछ पिंपल्स वगैरह हो रही है मुझे, जिसकी वजह से मैंने ये आपके संग ट्राई की है रेडमी।
और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया गाइस तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है गाइस, आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और ये तो आपकी हेल्पफुल चीज़ें ही हैं। तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के संग शेयर भी कर सकते हैं। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे उसके पास एक बेल आइकन आएगा, उस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली मेरी सारी वीडियोज़ से आप नोटिफाइड हो पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।